यस, हमेशा याद रखना इंटरव्यू में कभी ये नहीं बोलने का। मैं एक बार आई हैड बीन फॉर एन इंटरव्यू, मैं एक इंटरव्यू में गया था। आपने सुना होगा कंपनी का नाम, सुनेगा ध्यान से। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी करके देर वॉज अ कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी करके देर वॉज अ कंपनी, सुना है आपने इस कंपनी का नाम? यस, MCX, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, बहुत बड़ी कंपनी। सो आई हैड बीन फॉर एन इंटरव्यू इन दिस कंपनी, और इस कंपनी में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, सो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि MCX भी एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है कॉमोडिटीज का। तो उन्होंने बोला कि हमारे भी बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, और अच्छा खासा कंप्लाइंस कंप्लाइंस मैनेजर का पोस्ट था वहाँ पे। हम एंड दिस इंटरव्यू वॉज इन से 2000, जब मैं एनएसडीएल में काम करता तब का इंटरव्यू है, 2009 का बात है, 2009 की बात है, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है, मुंबई में बहुत बारिश हो रही थी, और मैं पागलो टाइप ये बस बदल के, इनका ऑफिस था अंधेरी ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट में कहीं तो था भाई, मेरे को क्या पता होगा भाई, कुछ समझता नहीं था मुझे मुंबई क्या है, भगवान ही मालिक था, ठीक है। सो इंटरव्यू था बढ़िया, तो अच्छा शर्ट वर्ट पहन के, मुंबई में जब आप रहोगे तो आप दो शर्ट रखने रखोगे लगोगे, ठीक है। तो एक शर्ट आपके बैग में रहती है, क्योंकि वो ट्रैवल करते करते शर्ट ख़राब हो जाती है। तो बढ़िया, सबसे पहले मैं वहाँ पे उनके वॉशरूम गया, इतनी ज़ोरदार कंपनी थी, स्टॉक एक्सचेंज ही था ना वो, तो उनकी जो ग्राउंड फ्लोर थी, ग्राउंड फ्लोर में बड़ा सा टीवी लगा था, और सारे कॉमोडिटीज, बड़ा मतलब कम से कम 40 फिट ऐसे और 20 फिट ऐसे, इतना बड़ा टेलीविजन था, वो टेलीविजन था स्क्रीन था, आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए इफ देर इज सम इंटरमीडियरी, मतलब उनके MCX के ब्रोकर हैं एंड दे हैव वायलेटेड रूल्स, सो एज अ कंप्लाइंस मैनेजर, मैं कंप्लाइंस मैनेजर का इंटरव्यू था ना, यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लाइंसेस, सो वॉट प्यूनिटिव एक्शन, वॉट पनिशमेंट, या वॉट काइंड ऑफ एक्शन यू विल टेक अगेंस्ट देम, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, आई विल चार्ज अ वेरी हैवी पेनल्टी सो दैट दे डू नॉट डेयर टू, यस, कमिट द मिस्टेक अगेन, दे डू नॉट रिपीट द मिस्टेक, उनकी आत्मा तड़प जाए माँ की, ऐसी मैं उनको यू नो पेनल्टी लगाऊंगा उनके अगेंस्ट, बिकॉज हम अपने, हम MCX है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब इट्स अ कमोडिटी एक्सचेंज, वो अपने बायलॉज बना सकता है ना। तो फिर बहुत अच्छे इंटरव्यू पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो मेरा उस समय NSDL में अराउंड मुझे 6 साढ़े 6 का पैकेज मिलता है, तो मैंने बोला 10 या 11 आई विल एक्सपेक्ट, उतना ग्रोथ तो मैं मांगूंगा। एंड देन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, और मैं डायरेक्टली बोल देता था व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, मैं बोलता था भाई कि मैं अभी इस सैलरी पे काम कर रहा हूँ, 30-40% का, तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे, मैं रहता हूँ अभी लोअर परेल में, अगर मैं अंधेरी ईस्ट में आता हूँ तो मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर शिफ्ट करना होता है आपको, और अंधेरी ईस्ट के रेंटल्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी बात थी बच्चों, आई वॉज रिजेक्टेड इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड इंटरव्यू, आई वॉज रिजेक्टेड। तो जनरली आप जब रिजेक्ट होते हो तो आप ना HR वालों को फोन करके पूछ लेते हो कि मैम वाई वॉज आई रिजेक्टेड, लाइक वॉट द रीजन्स वर। सो मैंने फ़ोन किया और मैंने मैम से पूछा कि मैम मैं रिजेक्ट क्यों हुआ, देर वॉज सम गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हु वॉज HR, आपकी कंपनी में नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा, लड़कियाँ जो होती हैं वो HR में रहती हैं बहुत सारी, ये सब IM वाई एम वाली रहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम व्हाट वाज द रीज़न, तो बोले सर 2 मिनट आई विल कनेक्ट यू, अपने को सर ही बोलती हैं क्योंकि अपन डेजिग्नेशन में उनसे ऊपर ही होते हैं। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उनसे उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दुष्यंत अब तो आप रिजेक्ट हो गए हो, बट मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगा कि कभी भी पेनल्टीज, इंडिया जैसी कंट्री में पेनल्टीज आर नॉट द सोल्यूशन, आपको ये बोलना चाहिए कि आई विल एडुकेट देम, मैं उनको क्या करूंगा, एडुकेट करूंगा, मैं उनको ट्रेन करूंगा, बिकॉज अगर मिस्टेक करेंगे आप पेनल्टी लगा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला,
क्योंकि जब तक वो एडुकेटेड, क्योंकि कोई जानबूझ के तो मिस्टेक करेगा नहीं. सो द बेस्ट रेमेडी इज टू एडुकेट. मेरे बदले कोई गुजराती लड़की सिलेक्ट हुई थी, मैंने बहुत पता किया ना, एंड शी हैड गिवन द सेम आंसर. मैं उस समय कितने साल का था बच्चों, आई वॉज लाइक 25, सॉरी 23 का था मैं उस समय. क्या मेच्योरिटी था मेरे पास बेटा. जिस लड़की का सिलेक्शन हुआ शी वॉज 27 28, थोड़ी सी मेच्योर्ड होगी, मेरे से सही आंसर दिया. इन शॉर्ट मेरा कट गया था. और शायद अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता तो मैं टीचिंग में कभी आता ही नहीं बच्चों. डेस्टिनी, यस, बहुत जगहों पे मैं रिजेक्ट हुआ हूँ. मैं ओरेकल में भी रिजेक्ट हुआ हूँ. ओरेकल पता है ना, ओरेकल सॉफ्टवेयर. मैं बच्चों एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई हैड नेवर बीन शॉर्ट ऑफ यू नो वैकेंसीज इंटरव्यूज. मुझे बहुत ऑफर आते थे, बहुत ऑफर आते थे, और अच्छी अच्छी सैलरीज के ऑफर आते थे. बट क्या करूँ, मेरे को ना बैरक पता थी ना क्या थी, कुछ पता ही नहीं था. तो मैं कई जगहों पे सिलेक्ट हो जाता था, जहाँ बकर करनी होती थी मैं वहाँ सिलेक्ट हो जाता था. पढ़ाई के अलावा जहाँ पे पूछते थे ना मैं वहाँ सिलेक्ट हो जाता था. सारे एप्टीट्यूड टेस्ट, वो ये टेस्ट में सब क्लियर करता, बट लॉ का नॉलेज कंपेरेटिवली मुझे नहीं था बच्चों. सो एनी वे, हाँ, लेकिन मक्वायरी में मैं इसलिए सिलेक्ट हो गया था, जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पैकेज मिला था, 12 का पैकेज मिला था. वहाँ पे क्यों सिलेक्ट हो गया था, क्योंकि मैं उस समय आईपीओ में काम कर रहा था, और मक्वायरी में सारे क्वेश्चन किसके पूछे, आईपीओ के पूछे. तो ये एक रीज़न था. सो अगेन, तो मैं आपसे भी यही चीज़ करूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप उनको जो वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग, आप उनको डायरेक्टली भगा नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते, उनको टाइम देना चाहिए. गिव देम 2 मंथ्स का टाइम, और उनके लिए क्या करो, अल्टरनेट जगह ढूंढो. आप वो तो तोड़ दो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं तोड़ा तो वो जिंदगी में कभी छोड़ने वाले नहीं है. तो आप वो तो, लेकिन उनको 2 महीने का टाइम दो, ठंड निकल जान दो. क्या निकल जान दो, ठंड निकल जान दो, गर्मी हो जाए बरसात हो जाए जो भी है, गर्मी के टाइम पे निकाल दो उनको वहां से. और उनके लिए कुछ अल्टरनेट, उनको लैंड दे दो कि, लेकिन इंडिया इतना बेकार देश है इस मामले, लैंड देंगे तो वहां पे भी वो अपना इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे बच्चों. तो ऐसा ही है, उनको उत्तराखंड से ही निकाल देना चाहिए. लेकिन फिर उनका फिर फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस. तो लफड़ा है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में. चाइना वाइना होता तो वो तो सीधे आपको 24 घंटे का नोटिस देते, खाली करो. नहीं करते, तुम घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कुछ नहीं, रात को आते आग लगा के चले जाते बच्चों. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, बहुत दुख भी होता है. अच्छा, एनीवे,